आई एम भाग्यवती चौरसिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी, क्लास बीएससी बीएड, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर। सो वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा होता है जो कि मार्कनसिया को हम आज पढ़ा रहे हैं, जो ब्रायोफाइटा का एक मेंबर है। तो आइए आज हम देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा एक ग्रुप है जो कि नम और छायादार स्थानों में पाया जाता है। इसके तहत हम इसके मेंबर को पढ़ेंगे, मार्कनसिया। मार्कनसिया 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 नम और छायादार स्थानों में पाया जाता है। कुछ जो स्पीसीज होती हैं हमारी इंडिया में पाई जाती हैं, तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मार्कनसिया जो होता है नम और छायादार स्थानों में पाया जाता है, तथा इसमें कुछ जो राइजोइड्स होते हैं वो ट्यूबरकुलेटेड होते हैं, तथा कुछ राइजोइड्स इसमें स्मूथ बैलेट पाए जाते हैं। यदि हम इसका थैलस स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें दो प्रकार के, एक वेंट्रल सरफेस जो एक अपर सरफेस होती है, और एक इसकी लोअर सरफेस को देख सकते हैं, हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस होता है प्राप्ति स्थान, कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली ये नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जली हुई जो भूमि होती है, यानी जो भूमि जल जाती है, जली हुई भूमि में जली हुई भूमि में ये मोस्टली सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये नम छायादार स्थानों में भी पाए जाते हैं, और इनकी जो 11 स्पीसीज होती हैं, 11 स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो 11 स्पीसीज होती हैं वह इंडिया में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो अदर स्पीसीज होती हैं वो ऑल वर्ल्ड में पाई जाती हैं। यह कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, यानी विश्वव्यापी होते हैं। यह कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटेंट यानी ये विश्वव्यापी होते हैं, समस्त विश्व में प्रेजेंट होती हैं इनकी स्पीसीज। समस्त विश्व में इनकी जो जातियां होती पाई जाती हैं। इसके अलावा इनकी जो कुछ स्पीसीज होती हैं जिनके बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे, मार्कनसिया पामेटा एंड मार्कनसिया एंड मार्कनसिया पॉलीमार्फा। हम देख रहे हैं कि मार्कनसिया पामेटा और मार्कनसिया पॉलीमार्फा ये इंडिया में पाए जाते हैं। इन इंडिया प्रेजेंट एंड ETC। इसके अलावा और भी जातियां हैं जो पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मार्कनसिया का थैलस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक पोजीशन। यदि हम मार्कनसिया की वर्गीकृत स्थिति देखते हैं या इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो यह इस तरह से होगा। डिवीजन ब्रायोफाइटा
डिवीजन ब्रायोफाइटा क्लास हेपेटिकोप्सिडा हेपेटी हेपेटिकोप्सिडा ऑर्डर मार्केंसियल्स ऑर्डर मार्केंसियल्स फैमिली मार्केंसियसी मार्केंसियसी जीन्स मार्केंसिया एंड स्पीसीज मार्केंसिया, ये है इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या है कि जो इसका डिवीजन है, वर्गीकृत स्थिति है, वो ब्रायोफाइटा में इसको रखा गया है। इसके बाद इसकी जो क्लास है वो हेपेटिकोप्सिडा है, ऑर्डर इसका मार्केंसियल्स है, और फैमिली इसकी मार्केंसियसी है, तथा इसका जो फैमिली है वो मार्केंसियसी है, और जीन्स और स्पीसीज इसकी मार्केंसिया है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एक्सटर्नल संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया यहाँ पे हम इसके थैलस का स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन सा बाह्य संरचना, मार्केंसिया की बाह्य संरचना के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि मार्केंसिया की बाह्य संरचना क्या है। यह इसकी वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस। मार्केंसिया की हम वेंट्रल सरफेस देखते हैं तो इसमें नीचे की तरफ राइजॉइड्स पाए जाते हैं, राइजॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसमें मध्य में मिडरिप प्रेजेंट होती है, ये इसकी मिडरिप पाई जाती है, मिडरिप पाई जाती है, और बीच बीच में इसमें गैमा कप प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में इसमें गैमा कप पाए जाते हैं। गैमा कप, इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो एक्सटर्नल संरचना है इसमें नीचे की तरफ राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो दो प्रकार के राइजॉइड्स इसमें पाए जाते हैं, पहले पाए जाते हैं, दो प्रकार के राइजॉइड्स पाए जाते हैं। नंबर एक, इसमें जो राइजॉइड्स पाया जाता है वो स्मूथ वैलेट पाया जाता है, स्मूथ वैलेट एंड ट्यूबरकुलेटेड। नंबर वन, इसमें पाए जाते हैं चिकनी भित्ति वाले राइजॉइड, और दूसरे पाए जाते हैं खुरदरी भित्ति वाले राइजॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी दूसरी संरचना जो होती है थैलस की, वो इस तरह से होती है, इस तरह से पाई जाती है, जिसमें ये अपन को स्केल देखने को मिलते हैं, इस तरह से इसमें स्केल से प्रेजेंट होते हैं। यह इसमें स्केल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे इसमें ये ऑर्गन लगे होते हैं, ये जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑर्गन होता है ये मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि मार्केंसिया की बाह्य आकृति में क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम इसका देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया, इसकी जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया पढ़ेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है इसकी आंतरिक संरचना, थैलस की आंतरिक संरचना में हमें दो पार्ट दिखाई देते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक रीजन एंड दूसरा पाया जाता है स्टोरेज रीजन। जो फोटोसिंथेटिक भाग होता है ये ऊपर की तरफ होता है और जो स्टोरेज रीजन होता है वो मध्य में पाया जाता है। इसे हम डायग्राम के द्वारा शो करेंगे कि किस तरह से इसमें ये रीजन पाए जाते हैं। सबसे ऊपर इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है, इसके बाद इसमें कुछ एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा जो वायु होती है वो आर पार जाती है। इस तरह से इसका ये जो रीजन होता है वो पाया जाता है। इस तरह से इसमें बीच में ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी सेल्स इसमें पाई जाती हैं और नीचे की तरफ इसमें राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे राइजॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें ये बहुत सारी थिक वॉल्स पाई जाती हैं जो मोटी सेल्स होती हैं तथा इनमें बहुत सारा फूड मटेरियल संचित रहता है। बीच में इसमें बहुत सारी इस तरह से थिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें फूड मटेरियल पाया जाता है। थिक वॉल पाई जाती हैं जिनमें फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। इस तरह से हम मार्केंसिया की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें ऊपर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है। इसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस और नीचे की तरफ इसमें लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। बीच में इसमें सेल्स पाई जाती हैं, ये वाली जो होती है लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है और ये राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम मार्केंसिया में देखते हैं कि इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर की संरचना है उसमें बीच में थिक वॉल्स पाई जाती हैं, ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस पाई जाती है और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। इसके बाद इसमें ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये एयर चैम्बर कहलाती हैं। एयर चैम्बर के द्वारा जो वायु होती है वायु का आदान प्रदान होता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिसके द्वारा ये अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके स्पोर्स के बारे में। स्पोर्स, यदि हम मार्केंसिया के स्पोर्स को देखते हैं तो ये उल्टा लटका रहता है। इसमें सबसे जो कैप्सूल होता है इसका कैप्सूल नीचे की तरफ आ जाता है और इसका जो फुट और सीटा होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इस तरह से इसमें सेल प्रेजेंट होती हैं।
स्पोर टेटर्ड होते हैं, स्पोर टेटर्ड इसमें पाए जाते हैं। बीच बीच में इसमें लेटर भी प्रेजेंट होते हैं। हम देख रहे हैं कि रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है, वो क्या होता है, तीन पार्टों में डिवाइड होता है। फुट, सीटा और कैप्सूल इसमें पाया जाता है। पहला जो पार्ट होता है वो फुट होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो सीटा पाया जाता है, और तीसरा जो पार्ट होता है वो कैप्सूल होता है, कैप्सूल पाया जाता है। इस तरह से मार्केंसिया का जो स्पोरोफाइट होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, और इसका जो स्पोरोफाइट होता है उल्टा पाया जाता है, उल्टा लटका रहता है। और इसमें जो ये सीटा होता है, इसका जो फुट होता है वो इसका जो सीटा होता है वो फुट में धंसा रहता है, फुट में धंसा रहता है, और ये इसका कैप्सूल पाया जाता है। बीच बीच में इसमें लेटर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि मार्केंसिया का जो कैप्सूल होता है, स्पोरोफाइट होता है, कैप्सूल के अंदर इसमें टेटर्ड स्पोर भरे रहते हैं, और बहुत सारे इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं। इलेटर्स के अलावा ये जो स्पोर होते हैं ये हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, तथा ये नमी को ग्रहण कर लेते हैं, और ये फूड मटेरियल को अपने अंदर संचित करके इसमें ग्रो करते रहते हैं। इसके बाद हम इसकी देखते हैं डिसेंट एंड स्पोर्स वितरण कैसे होता है, कैसे ये नष्ट होते हैं और कैसे स्पोर का वितरण होता है। डिसेंट एंड डिस्पर्सल, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, ये क्या होते हैं कि जब अनुकूल परिस्थितियों में इनमें क्या होता है कि इनके जो इलेटर्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं या जब उन्हें नमी नहीं मिलती है तो इनका जो जैकेट होता है वो फट जाता है। जैकेट जो होता है वो क्या होता है, फट जाता है, उसमें दरार आ जाती है इस तरह से, और यहाँ से जितने भी स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और जर्मिनेशन करके ये नया प्लांट बना लेते हैं। जर्मिनेट हो करके ये जो न्यू प्लांट होता है, न्यू प्लांट को बना लेते हैं। इस तरह से इनमें नया प्लांट बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी आउटलाइन, यानी लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया, लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया की जो लाइफ साइकिल है इसमें स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट प्रावस्था चलती रहती है। हमने देखा है कि इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं मेल एंड फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं, जिसमें से जो मेल ऑर्गन होते हैं वो एंथ्रीडियोफोर पे पाए जाते हैं, जिनमें से एंथीरोजॉइड बनता है, और जो एंथीरोजॉइड होता है उससे क्या बनते हैं, स्पर्म, स्पर्म का निर्माण होता है। इसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं आर्के गोनिया जो होती है वो आर्के गोनियोफोर पे लगी रहती है। कहाँ पे लगी रहती है, आर्के गोनियोफोर, आर्के गोनियोफोर पे लगी रहती है, जिससे क्या बनते हैं, एग बनते हैं, एग का निर्माण होता है। आगे हम इसकी लाइफ साइकिल को देखते हैं कि किस तरह से ये लाइफ साइकिल इनकी चलती है। तो इस तरह से ये एक मैच्योर प्लांट है,
यंग और मैच्योर यह यंग और मैच्योर प्लांट है। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें एक मेल है और एक क्या है इसमें फीमेल है, जिसमें ये इसका फीमेल है और ये इसका मेल है। अब ये जो मेल और फीमेल होंगे इन दोनों में क्या होगा, इनसे बनेगा एन एन थ्री डी ओ फोर। एन थ्री डी ओ फोर जो होगा इनसे क्या बनेगा, राइजोइड्स एंथीरोजोइड्स, इस तरह से जिसकी संरचना होगी ये होगा एंथीरो जॉइंट्स। इसके बाद आते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है इससे क्या बनेगा, आर्केगोनियो फोर। आर्केगोनियो फोर जो होती है इससे क्या बनेंगे, एग बनेंगे, एग बनेंगे। इसके बाद इनमें सिनगैमी होगी, सिनगैमी की क्रिया होगी, ये एन पोजीशन रहेगी और ये टू एन पोजीशन रहेगी। जब सिनगैमी होगी तो इससे क्या बनेगा, इसमें जाइगोट बनेगा। जाइगोट में जब डिवीजन होगा तो डिवीजन होने पर इसमें बहुत सारे जो सेल्स होंगे वो सेल बनेंगे। डिवीजन के फलस्वरूप इसमें बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है। इसके बाद और इसमें स्पोर्स बनते चले जाएंगे और बहुत सारे जो स्पोर्स होंगे उनका निर्माण होगा। मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप, मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप इसमें पुनः फिर क्या होगा, ये गैमेट का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से हमने इसकी लाइफ साइकिल को देखा है कि जो मार्केंसिया की लाइफ साइकिल होती है इसमें सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो N3DO4 और आर्केगोनिया होती है, जिसमें से एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जब जाइगोट में डिवीजन होता है तो उसके बाद पुनः ये मैच्योर प्लांट बना लेते हैं। और मैच्योर प्लांट के बाद इसमें मैच्योर प्लांट का इसमें निर्माण हो जाता है। मार्केंसिया में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जो दूसरा रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसी कारणवश होता है, जैसे कि थैलस की डेथ हो जाना, डेथ एंड डिके। थैलस जब कभी गल जाता है या सूख जाता है तो उससे क्या होता है कि दूसरा पुनः नए मार्केंसिया का निर्माण हो जाता है। दूसरा इस तरह से होता है, गैमा कप के द्वारा होता है और दूसरा गैमी के द्वारा होता है, गैमी द्वारा। इसके अलावा और भी परिस्थितियों में होता है, जब कभी इसका कोई पार्ट टूट जाता है तो वो ज़मीन में गिर जाता है और गिर के ये जो नया थैलस होता है, नए थैलस का ये निर्माण कर लेता है। इस तरह से इसमें निर्माण होते रहते हैं। मार्केंसिया जो होता है, मार्केंसिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है पीढ़ी एकांतरण।
मार्केंसिया में पीढ़ी एकांतरण की प्रोसेस पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इस तरह से मार्केंसिया की जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। थैंक यू।